नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एलजी की नई सीरीज, नए वीडियो में। जैसा कि मुझसे कई वीडियोस में पूछा गया कमेंट बॉक्स में कि मशीन को क्लीन करते समय में, टब क्लीन करते समय में क्या इसका नल जो टैब होता है वो ऑन करना है क्या, तो उसका जवाब है कि जिस तरीके से हम कपड़े वॉश करते हैं और वॉशिंग के लिए वाटर, पानी की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार टब क्लीन करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। इसलिए टब को हमेशा ही ऑन रखना है इसमें, और ये भी ध्यान रखना है कि वाटर जो फ्लो है वो एक्यूरेसी उसकी करेक्ट हो, मतलब ना बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा। जो ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। उसमें पानी अगर कम आएगा, कम फ्लो में आएगा, तो इसमें एरर आएंगे, वाटर सप्लाई का जो एरर होता है वो आएगा। और पिछले वीडियो में बताया था हमने कि जो टब क्लीन करना है उसके लिए या तो हम वेनेगर यूज कर सकते हैं, या तो एलजी की तरफ से जो स्केल को पाउडर आता है इसका भी यूज कर सकते हैं। वेनेगर का जैसा है कि 200 ml का जो बॉटल आती है उतना पूरा 200 ml इसमें यूज होता है। और ये जो स्केल को पाउडर है एलजी की तरफ से, इसका या तो हाफ, मतलब ये इसको हम दो दो साइकिल में दो बार यूज कर सकते हैं इसको। और ये डिपेंड करता है आपके कपड़े धुलने की फ्रिक्वेंसी कितनी है। अगर आप डेली लगभग 4-5 किलो कपड़े धुलते हैं तो ये समझिए कि आपको 1.5 महीने में टब क्लीन करना चाहिए। टब क्लीन ना करने के कारण होने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि जैसे कभी कभी कॉलर में आप देखेंगे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती, या तो कहीं कहीं डस्ट हो जाती है, तो जो इसके अंदर जमे हुए गंदगी है वो कपड़ों में आ जाती है, इस कारण से कपड़े क्लीन नहीं होते। और मेंटेनेंस के तौर पे यह सबसे इम्पोर्टेंट काम है टब क्लीन का। टब क्लीन का प्रोसेस हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे किस तरीके से टब क्लीन करना है। ये वीडियो जो जो आपके क्वेश्चन थे, सारे वीडियो में कमेंट में जो क्वेश्चन थे उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर वीडियो को देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस और भी इसके बाद जो भी आपको जानकारी चाहिए हो, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज हम इसके थ्रू टब क्लीन करने का प्रोसेस बताएंगे, और ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, वो काफ़ी ईजी प्रोसेस है, और इसमें किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको कट करना है, और इसका जो बॉक्स है जहाँ पे आप सर्फ डालते हैं, जो डिटर्जेंट डालते हैं, वहाँ पे इसको डालना है। साथ ही थोड़ा करके दिखाएंगे किस तरीके से इसमें यूज़ करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब टब क्लीन करते हैं, ये टब क्लीन ना करें तो क्या होगा करके, तो उसका हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर टब क्लीन नहीं करते तो धीरे धीरे मशीन में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाएंगी, और जो इसका ड्रम है डायरेक्ट ड्राइव का, वो फिर प्रॉब्लम करेगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी इसमें। तो बेहतर यही है कि जो जितना अपने हाथ से इसको टब क्लीन करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सर्विस इंजीनियर को बुलाएं, आप घर पे ही खुद से अपने कर सकते हैं इसको टब क्लीन। और टब क्लीन का ऐसा प्रोसेस है कि आपको मशीन के पास ना तो खड़े रहना है, ना तो इसको ऑब्जर्व करना है, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। टब क्लीन का इसमें ऑप्शन है, आप ऑन कर दीजिए, 2 घंटे 1.5 घंटे जो टाइम इसमें शो होगा उसके बाद ऑटोमेटिक टब क्लीन होगा। आपको बीप के थ्रू पता चल जाएगा कि टब क्लीन हो चुका है। तो चलिए इसको ओपन करके और इसमें डालते हैं और शुरू करते हैं टब क्लीन प्रोसेस। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये है एलजी की तरफ से स्केलगो टब क्लीनिंग पाउडर। ये एक पैकेट की कॉस्ट है 150 रुपीज़। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वाइट वेनेगर जो आता है, जिसका मैंने पहले वीडियो में बताया था, वाइट वेनेगर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इस स्केलगो का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक पैकेट का यूज़ आप 2-3 बार कर सकते हैं अपने। सबसे पहले हम इसका डिटर्जेंट ट्रे ओपन करेंगे, और ये देखेंगे आपके यहाँ पे भी डिटर्जेंट डालते हैं, यहाँ पे भी, तो ये हमने इसको ओपन कर लिया है, और ये कुछ इस तरीके का होता है ये पाउडर। इसको हम इतनी क्वांटिटी में है यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें।
ये इसलिए ये एक में भी डालेंगे तो वही काम होगा, लेकिन जो इसकी मशीन है सक्शन मशीन है वो तीनों ब्रैकेट से ही ये खींचता है, तो इसलिए तीनों में हमने इसको इंसर्ट कर दिया है, तीनों में हमने इसको स्प्रे कर दिया है। तो ये हमने इसमें डाल दिया है और कुछ टब में आपको ध्यान रखना है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसका टब क्लीन कर रहे हैं तो आपको एक पूरा पैकेट इसमें डालना होगा, और अगर ये सेकेंड टाइम थर्ड टाइम है या कम यूज़ है तो ये पैकेट आपका दो बार, दो या तीन बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने आधा पैकेट इसमें डालने के बाद में ये इसका ट्रे बंद कर दिया, अब इसको हम करेंगे बंद। उसके बाद ये अब ड्रम को हमने खोला, थोड़ा सा इसमें भी स्प्रे कर देंगे, तो ज़रूर हमसे आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं लोगों का, एक किसी दर्शक ने व्यूवर्स ने पूछा है कि क्या वॉशिंग मशीन का टब क्लीन करते समय हमें नल पानी की सप्लाई जारी रखनी है या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि जिस तरीके से हम कपड़े वॉश करते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह टब क्लीन करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो टब टैप जो नल है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको ऑन ही रखना। मशीन के डोर को हमने कर दिया है क्लोज और अब हम ऑन करेंगे इसको पावर से। ध्यान रखना है किसी भी मेन्यू को सेलेक्ट नहीं करना है डायरेक्ट। यहाँ पे देखेंगे रिंस जहाँ लिखा हुआ है, रिंस के नीचे टब क्लीन का ऑप्शन आपको क्लियरली दिखेगा, इसको होल्ड करना है 3 सेकेंड तक। ये हमने 3 सेकेंड होल्ड किया, यहाँ पे ये TCL लिखा है मतलब टब क्लीन। अब जब टब क्लीन यहाँ पे ऑन हो गया है तो हम इसको करेंगे ऑन। अब ये ऑटोमेटिक टाइम कैलकुलेट होगा और आपको यहाँ पे दिखाएगा, जैसा कि हमने बताया आपको कि पहले LG का जो ThinQ ऐप है वो भी इससे कनेक्ट रहेगा, तो इसमें पूरा प्रोग्राम कितना टाइम बचा है, कितना अभी और लगने का है, तो वो पूरा शो होते रहेगा आपको एप्लीकेशन में ही। वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं आप, इसका भी हमने दूसरे वीडियो में बना रखा है कि किस तरीके से वाईफाई से कनेक्ट करें करना है मोबाइल को। अब ये मशीन का प्रोसेस शुरू हो गया है, आप देखेंगे इसमें टब पे साउंड आ रहा होगा, साथ ही ये टाइम शो हो रहा है 1.14, मतलब 1 घंटा 14 मिनट का इसमें टाइम लगा हुआ है, उतनी देर में ये टब क्लीन हो जाएगा। चलिए तो हमने अब इसे शुरू कर दिया है, अब वेट करते हैं एक एक स्टेप का। ये नल ये टैप जो है इस तरीके से इसकी फिटिंग होती है, इसको हमेशा प्रॉपर ही फिट करना है, कहीं कोई लीकेज ना हो, और ध्यान रखना है कि पानी की सप्लाई वाटर की सप्लाई इसमें ऑन होनी चाहिए। वॉशिंग मशीन चाहे कपड़े वॉश कर रहे हों या टब क्लीन कर रहे हों, तेजी से इसमें वर्क हो रहा है, आप देख सकते हैं ये टब काफी तेजी से घूम रहा है, और ये इस सतह में आप देखेंगे कि जो पाउडर हमने डाला था उसका फैन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और साथ ही ये पूरा जो गैसकेट है इसको भी वॉश करता है इनसाइड। जब ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, जब इंडिकेटर इसमें एंड का आ जाएगा, उसके बाद में हमें फिर आगे का प्रोसेस है कि कॉटन के कपड़े से इसके ड्रम को अच्छे से क्लीन करना है, वो प्रोसेस भी हम आपको दिखाएंगे आगे, जब तक ये पूरा टब क्लीन हो जाए, पूरा टाइम कवर हो जाए तब। अब हो गए हैं 47 मिनट रिमेनिंग, प्रोसेस चल रहा है प्रॉपर वॉशिंग का टब क्लीन का। सीन अपने अंतिम पड़ाव में है और ये 5 मिनट्स रिमेनिंग है इसमें, और साउंड आप सुन सकते हैं जो इसमें आ रहा है, बहुत ही लेस साउंड है।
अगर आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करें, उसमें नए नए आपको अपडेट्स मिलेंगे। 4 मिनट। अब आपको देखना है कि इस साइड में जो इसका गैसकेट है इसमें डस्ट जमी रहती है, तो उसको आपको इस तरीके से क्लीन करना है। इस तरीके से आप ये क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लीन ना होने से ये डस्ट जो है धुलाई के दौरान कपड़ों में जाती है और कपड़े गंदे रह जाते हैं। इसको भी आपने प्रॉपर ऐसे क्लीन कर देना है। इस पर देखेंगे कि टब एकदम क्लीन हो गया है। अब ये कोई भी इसमें स्मेल नहीं आ रही है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये इंडिकेशन बना हुआ, इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये इजीली बाहर निकल कर आ जाता है। इसको भी इसके अंदर आप इस तरीके से कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। ध्यान रहे कपड़ा हाथ से छूटे ना, नहीं तो पाइप में फंस जाएगा। ये क्लीन हो गया, फिर इसको भी क्लीन कर देना है। अब क्लीन करने के बाद इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ये फिट कर देंगे। अभी हमारी वॉशिंग मशीन का टब क्लीन हो चुका है, अब ये दोबारा उपयोग करने के लिए फिर से रेडी है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।